नमस्कार, मनोज तिवारी का शो में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का अंतिम पायदान ग्राम प्रधान, उसके ऊपर का पायदान क्षेत्र पंचायत। आज उसके प्रमुख सोराव से आलोक कुमार पांडे जी मेरे साथ हैं, जो प्रधान भी रह चुके हैं। आज आलोक पांडे से हम ब्लॉक से संबंधित और ब्लॉक प्रमुख के अधिकारों से संबंधित और आज जो हो रही है सारी चर्चाओं से संबंधित बातचीत करेंगे। आलोक जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अब तो आपका कार्यकाल लगभग बीत रहा है, कुछ समय और बचे हुए हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, और फिर इन 3 सालों के कार्यकाल में जब तक आपका रहा है, उसके पहले तो किसी दूसरे का था, इसमें आलोक पांडे की क्या हुई? पहली बात, मैं आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ कि जो आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया इस चैनल के माध्यम से, और हमारे 3 साल की उपलब्धि तो जनता ही बताएगी मैंने क्या किया है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा काम जो था कि जो भ्रष्टाचार हमारे ब्लॉक में जिसके पहले की सरकारों में व्याप्त था, आपके मान जितने भी भ्रष्टाचार मैंने समाप्त किए, जो आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे धन उगाही चल रही थी उसको मैंने समाप्त किया, और विकास के जितने भी कार्य थे उसको ईमानदारी से इस धरातल पे लाने का पूरा मुझे प्रयास किया। ठीक है, मैं जानना चाह रहा था सर, तो मैं ठीक है, ये तो काम एक वो हो गया ना, मुझे सर कुछ गिना के बताएंगे कि फला जगह आपने ये किया, फला जगह। अभी आपकी ऑफिस में एक महाशय कह रहे थे कि जब आप ब्लॉक प्रमुख का विश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तब आपने वायदा किया था उनसे कि कुछ दिन में ब्लॉक प्रमुख रहूंगा, उसके बाद आप बन जाइएगा। लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कोई वादा नहीं होता है। बाकी चर्चाएं जो होती है बात की बात होती है। बाकी जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूँ, विकास के कार्य मैंने कई गांवों में अपर इंटरलॉकिंग के माध्यम से सामुदायिक केंद्र के जो शौचालय बन रहे हैं उसको कई गांव सभा में, जैसे बारी ग्राम सभा में शौचालय से बन रहा है, आपके थरवे में बन रहा है, आपके सहजीपुर में बन रहा है, और इंटरलॉकिंग का काम भी जहाँ जहाँ जो दो गाँव को जोड़ने का काम हुआ है, बहमनपुर हुआ है, गद्दोपुर हुआ है, और आपके इस्माइलपुर हुआ है, इस्माइलगंज में हुआ है, ऐसे कई गाँव से हुआ है। मैंने प्रमुख जी एक चीज और बताइए, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, ये सब प्रधान से लेकर के सांसद तक करवाते हैं, क्या बहुत काम बटा होता है क्या? ये काम ब्लॉक प्रमुख का होगा, ये काम जिला पंचायत का होगा, ये काम सांसद बड़ा होता है, ज्यादा आता है, विधायक भी बड़ा होता है, उसमें ज्यादा आता है। जैसा निधि उस निधि के आधार पर लोगों का नेतृत्व कम हो गया, पहले की अपेक्षा ब्लॉक प्रमुख का निधि कम हुआ, लेकिन तब भी हम लोगों ने सांसद के निधि से कुछ लेकर, विधायक जी से कुछ लेकर, हमारे दोनों विधायक ने पापमो, आधा हमारा क्षेत्र पापमो विधानसभा में आता है, आधा सुराव में आता है, तो दोनों विधायकों ने उससे भी कुछ निधि लेकर ग्राम पंचायतों में लोगों ने काम किया जहाँ भी जरूरत थी, और ऐसे ऐसे जगहों में काम कराया है। जैसे हमारा एक गांव सभा है मोहम्मदपुर नौगवा, वहाँ का राजकुमार बी टी सी अनुसूचित जाति का है, उसने कहा कि सर हमारे यहाँ आज तक किसी ने, इस ग्राम पंचायत ने भी ना किसी ब्लॉक प्रमुख ने काम नहीं कराया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पहला काम मैंने इस ग्राम सभा में शुरू किया, तो आज वहाँ की जनता बड़ी खुश है, ऐसा काम कर बहुत अच्छा आपने कहा, लोगों ने कहा कि आपका साथ देने के बाद आप से काम उन्होंने लिया, काम करवाया, काम के बाद रिटर्न गिफ्ट, क्या ऐसा कुछ होता भी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, समाजवादी जनता पार्टी के और क्या बोल जाए, क्या है क्या नहीं कुछ चीज के लिए, लेकिन किसी की सोच पर चलिए ठीक है, वो आरोप तो लगा ले, आरोप तो विपक्ष का काम है लगाना। जब आप सहयोग ले रहे थे मेडीसी सदस्यों का, तो आपने मेडीसी सदस्यों को एक वायदा किया था कि आप किसी दल में नहीं जाएंगे, तो फिर आप बीजेपी में हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई वादा नहीं, बीजेपी के बैनर तले मैंने चुनाव लड़ा, अभी बीजेपी के बैनर तले मैंने चुनाव जीता, और आज भी पूरी श्रद्धा से भारतीय जनता पार्टी का एक सफल सिपाही हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। प्रमुख जी एक चीज और बता दीजिए, क्या एक ब्लॉक प्रमुख जो लगभग 100 गांवों का मालिक होता है, क्षेत्र पंचायत में लगभग 100 गांव होते हैं, 20 गांव तक ये कुछ ब्लॉकों में, उसको किसी दल से बंधकर रहना चाहिए क्या? हमारे पास एक चीज बता दें सर, हमारे पास जितने भी लोग आए जिस पार्टी के आए, ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास आते हैं, हमारे पास समाजवादी पार्टी के आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के आते हैं, हम देखते हैं कि जरूरत क्या है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। जरूरतमंद हमारे पास अगर 12 बजे रात भी फोन किया है तो मैंने उसकी मदद किया, मैंने जात और धर्म कभी नहीं पूछने का प्रयास किया कि किस जात क्यों किस धर्म क्यों, मैंने उसकी मदद किया है। पार्टी से पार्टी की बात की बात है, पार्टी की सेवा में सब सच्चा सिपाही हूँ। और इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि जैसे रोड बन गई है, भारतीय जनता पार्टी ने रोड बना दिया है, उसकी गवर्नमेंट ने बनाई है, इसका मतलब नहीं कि सफा वाले ना चल पाए, तो सारे लोग चलेंगे, सबसे क्या उसे भी ले होता है, इसलिए जरूरतमंदों की बने। अच्छा नेताजी, मैं बजट की बात करूँ, क्षेत्र पंचायत की बजट की बात करूँ। जी सर, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि क्षेत्र पंचायत जो है अपना बजट बनाता है और जिला पंचायत को देता है, वो जिला पंचायत पैसा पा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, जिला पंचायत के अलग बजट होता है, क्षेत्र पंचायत का अलग होता है। जिला पंचायत का बजट क्षेत्र पंचायत के लिए होता है? नहीं नहीं, जिला पंचायत से हम लोग मदद जरूर ले लेते हैं, जैसे जिला पंचायत इसके पहले रेखा सिंह जी थी, वो तो अभी वर्तमान जी थी, वर्तमान उन्होंने भी मैंने विचार प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव में काम किया, और लोगों का बजट बहुत छोटा होता है, सब इश्यू सब किया जा सकता है। आप लोगों के पास एक पावर होता है कर लगाने का, जी मंडी डेवलप करके उसमें कर लगाना, जी यहाँ तक कि हाउस टैक्स भी लगाने का, नाली नाले का, तमाम चीजों का कर लगाने का। आलोक पांडे ब्लॉक प्रमुख रहते हुए कुछ किसी कराधान की व्यवस्था की है क्या? एक्चुअली सर सबसे कह रहे हैं, लेकिन अगर नए ढंग से अगर कर लगाना चालू कर देते हैं तो जनता बहुत दूर तक सोचती है, भारतीय संविधान में बहुत बड़ा पावर है जनप्रतिनिधियों का, लेकिन प्रयास यह कर जाता है कि अगला अगर चुनाव में जाऊं कोशिश करूं कि जनता उसके उंगली न उठा पाए, शिकायत न कर पाए, लेकिन आज इतना दावे के साथ कह सकता हूं क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे कार्यकाल में किसी ने 5 पैसा दिया है, और ईमानदारी से मैंने अपने पद का सदुपयोग किया और उसका मैंने बाखूबी से पालन किया। बहरहाल 16% की बात भी लोग कर रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था नेताजी कि आपको बजट कैसे फिर मिलता है, आप क्षेत्र पंचायत का बजट कैसे मैनेज करते हैं? क्षेत्र पंचायत का बजट हम लोगों को पहले 14वां वित्त था, बाद में 14वां वित्त समाप्त हो गया, हम लोगों को बजट तो सीधे हम लोगों के एकदम हमारे और खंड विकास अधिकारी के खाता में आता है, और 3-3 महीने में उसका बजट आता है, बजट के आधार पे काम होता है। उसमें कोई जिला पंचायत से या विधायक से सांसद में से हम उन लोग अलग से काम ले लेते हैं, वो तो काम देखते करते हैं, हाँ यहाँ काम जरूरी है, आप जिस प्रतिनिधि है तो वो कर लेते हैं। क्षेत्र पंचायत में एक प्रावधान है कि हर 2 महीने पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक होनी चाहिए, उनसे तो कह रहा था कि हर ब्लॉक में बैठक नहीं होती है। मैंने ये सदस्य सही कह रहे हैं, ये बैठक हमारे 3 महीने और 6 महीने में होनी चाहिए, तो बैठक एक साल में इस बार कोरोना कारण है तो बिल्कुल बैठक हो ही नहीं पा रही, इसके लिए हम श्री इलाहाबाद में प्रयागराज से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने बस यही कहा कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तो बैठक होना संभव नहीं। मैं क्षेत्र पंचायत प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक, ये जो सदन है उसका तो बैठक होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी बात उठाते हैं, अपने सवाल देते हैं, गांव के जो है विकास के लिए एक प्रोजेक्ट होता है उसको उसमें पेश करते हैं, ये सब प्रक्रिया आप लोग कराते हैं कि नहीं? प्रक्रिया तो होती है, क्षेत्र पंचायत की बैठक में माननीय सांसद जी, विधायक जी और जनप्रतिनिधि जितने भी हों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हाँ वो सब लोग आते हैं और उसमें बैठक में सब लोग अपना प्रस्ताव देते हैं, उस प्रस्ताव के आधार पर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य माननीय ग्राम प्रधान भी प्रस्ताव देते हैं, जो प्रस्ताव बजट के आधार पर। अभी एक प्रस्ताव सरकार का था, बहरहाल अब हो नहीं पा रहा है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव जो है और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हैं कि जनता से सीधे हो, जनता से सर हो तो बहुत बेटर हो, और इससे यह है ना कि जो जनप्रतिनिधि आएगा तो सीधा जनता से चुन के आएगा, जो बीच में धांधली होती थी जो आरोप करते हैं
बीडीसी से दोस्तों खरीदने का प्लस जिला पंचायत जो अध्यक्षों उनका भी अगर जनता से अगर सीधा हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बेटर होगा। हम भी सरकार से भी मांग करेंगे कि जनता से कर दिया जाए वो सबसे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लाखों मुख्य है वर्तमान में, आगे भी अगला भी चुनाव हो सकता है, आपकी तैयारी करें, लड़ना भी है आपको, फिर मतलब लोगों को इकट्ठा करना जैसा भी प्रोग्राम हो, अभी सुराव ब्लॉक के लिए क्या बचा हुआ है जो आप अगले कार्यकाल में करेंगे? पहली बात तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 12 मतलब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कारण क्या है कि मेरा गांव जो जिस ग्राम सभा में निवासी हूँ वो गांव हमारा नगर निगम में चला गया, जो हो सकता है कि मेरा ये ब्लॉक प्रमुख का लास्ट कार्यकाल है और दोबारा लड़ने का विचार भी नहीं है। अगली चुनाव की तैयारी मेरी चल रही है और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मौका मिलता तो बाकी कई काम जो हमारे मन में है, एक हमारा सबसे बड़ी समस्या हमारे जो देश में है हमारे क्षेत्र में है स्वास्थ्य संबंधी जरूरत, तो एक हम सरकार की तरफ से यह प्रयास भी किए, माने अभी स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इसके पहले थे, मैंने इनको लिखित दिया है कि हमारे क्षेत्र में कैसा अस्पताल खोला जाए इसकी जरूरतमंद आज तक तो हम सोचते हैं कि कागज में नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है जो वादा किया वो करके दिखाया है और वो धरातल में नजर आ रहा है, चाहे लाइट के संदर्भ में आप देखिए, चाहे रोड के संदर्भ में देखिए, चाहे इंदिरा जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में देखिए, विद्युतीकरण भी आपके क्षेत्र में आता है, कुछ गाँव का विद्युतीकरण भी करवा सकते हैं, इसमें भी कुछ योगदान दिया है। हम लोगों ने अपने प्रपोजल दिए अपने लेटर पैड पे कि जिस जिन गांव में जरूरत थी, जैसे ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, लाइट की जरूरत थी, तो बिजली विभाग को हम लोगों ने दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों ने वहां पे बाकी भी शिफ्ट को। सर एक चीज और बताइए, सार्वजनिक भवन का निर्माण भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष करा सकते हैं? जी जी, अपने ब्लॉक में कहीं सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण अभी करवाया है? हमारे प्रस्ताव में है, मेरे ब्लॉक में भी कुछ काम हुआ है हमारे निधि के माध्यम से, बाकी दो प्रस्ताव हमारे हैं, जैसे जो खाद्य वितरण केंद्र है वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं सुनने में आया कि घर लोग ध्यान नहीं देते, और एक हमारे ही कैंपस में स्वास्थ्य विभाग की एक बनी है वहाँ पे भी हम सोचते हैं कुछ वहाँ पे बजट दे दिया जाए, उसकी रंगाई मेंटेनेंस हो जाए। चलिए, आपने कहा कि आप विधानसभा नहीं लगे, सॉरी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी है विक्रमाजीत मौर्य, तो क्या पार्टी बदलेंगे आप? नहीं नहीं, पार्टी बदलने की कोई बात नहीं, करीबी देखिए आदमी अपना एप्लीकेशन देता है, अब बाकी भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूँ और जहाँ भी पार्टी हमें चाहे सार्वजनिक तौर पर बोल जाते हैं, ये साख गिरने के पीछे क्या वजह है? सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा लोगों ने करके दिखाया है इसकी पूर्व के सरकारों को, लगभग नहीं करना, जमीन की कब्जा करना, उल्टा सीधा पैसा लेना, पैसा लेकर नौकरी दिलाना, कमीशन लेके स्कूलों में पैसा बांटना, लोगों ने काम किया है, और थाने की दलाली करना, सब लोगों ने गिराई है, और उसका परिणाम है कि नेता के लोग दूसरी निगाहों से देखना चालू करते हैं। अपना प्रयास होता है कि देखिए कि राजनीति दलदल तो ही, इसका मतलब नहीं कि राजनीति छोड़ दिया जाए, कीचड़ को निकालने के लिए दलदल तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ईमानदारी से जनता की सी जनता को पूछे। चलिए, मैं क्लोजिंग करने के लिए मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो ये लोकतंत्र की आखिरी पायदान है, ग्राम प्रधान हो या चीफ पंचायत हो, इनको और कितने अधिकार मिलने चाहिए? ग्राम पंचायत में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, अधिकार दिया है कि बजट में हम समझते हैं कि 4 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। पहले ग्राम प्रधान रह चुका हूँ,
2005 से बस और 2008 में जब प्रेसिडेंट एवार्ड मिला था अच्छे काम के और अब दोनों का बजट तब के में काफी हद तक बढ़ा और ग्राम पंचायतें जो एकदम बढ़िया ढंग से काम करा रही है स्कूल का कायाकल्प की योजना चल रही है सारे विद्यालय अब देखिए पहले की अपेक्षा काफी एकदम कार्बन स्कूल फेल हो जा रहे हैं जो हमारी इसमें प्राथमिक और जूनियर स्कूल देखने को मिल रही है सरकार की देन है प्रधान जी के बजट के माध्यम से अच्छा कोरोना काल में सुराम बलाय प्रमुख ने कुछ मदद किया उन लोगों ने मेहनत किया सबसे ज्यादा आप देखिए सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मैं छाया रहा और इतना मैंने क्षेत्र में गरीबों को भूखों को जितने भी लोग जा रहे थे पैदल भोजन कराना मास्क बटवाना सैनिटाइजर करवाना कई कई माध्यम से लोगों की जरूरत लोगों को मदद दिलाना बैंकों में जाकर लोगों को ऋण जो अप्लाई किए थे उनको दिलवाने का काम मैंने से कोरोना काल में किया है और आज भी हमारे गाड़ी में मास्क रखा हुआ है जहाँ मैं देखता हूँ रोड में खड़े होकर जरूरतमंदों को मास्क भी देता हूँ उनको सचेत करता हूँ एक छोटा सवाल छोटा जवाब हो चुके मेरे सवाल से कि आज बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है लोग बाहर से आए काम नहीं लोगों को मिल रहा है यहाँ तक कि एक सर्वे के अनुसार लोग फरी के शिकार होने वाले हैं एक रोजगार के लिए जो है ब्लॉक की क्या जो है मतलब कोई स्कीम होती है या कुछ करवा सकते हैं क्या सब सही कह रहे हैं कि इसमें जिन लोगों का रोजगार चल रहा था बम्बई दिल्ली में लोग रोजगार कर रहे थे अन्य प्रदेशों में और आज इस कोरोना कार्यकाल में सब लोग अपने घर पे आ गए बड़ी समस्या होंगे इससे विवाद काफी बढ़ भी गया है तो सरकार ने कई स्कीम कई योजना चालू किया है जैसे किसी से चल भी रहा था किसान ने लोनिंग की भी व्यवस्था किया है कि आप रोजगार कीजिए उसको कम ब्याज दर में लोनिंग भी कई बैंकों ने समस्या खड़ा किया हम लोगों ने जाकर जरूरतमंदों को लोन नहीं दिया सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता लेकिन सरकार से एक और मांग है क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है अगर इसमें कंट्रोल किया जाए तो वास्तव में काफी हद तक जनसंख्या कम करने का या जनसंख्या कंट्रोलिंग का कोई कानून बनना कानून बनना चाहिए ये जनरल मुद्दा है अच्छा कि आप जी इसे कानून अगर बन जाता है ना क्या है देश विश्व का नंबर वन का जनसंख्या देश बनने जा रहा है 2025 में उम्मीद है कि हमारा देश नंबर वन चाइना को पीछे करने जा रहा है तो इसमें अगर बीच में अगर कंट्रोल ना किया जाए एक अच्छी कड़े कानून अगर बनना चाहिए इसमें अगर हो जाए तो जो बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है कंट्रोल नहीं होगा तो बढ़ती चली जाएगी इसमें कोई चलिए पांडे जी एक आखिरी सवाल मेरा अंतिम सोराव की जनता को ब्लॉक प्रमुख अपने अंतिम कार्यकाल के चुनाव नहीं लड़ना चाहते वे क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश देना चाहते हैं कि जितनी भी जनता के लोग अपना ईमानदारी से अपना कार्य करें और कोरोना कार्यकाल में जो वाह बेफालतू लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के बिना किसी जरूरतमंद बिना किसी जरूरत के बिल्कुल ना घूमे और खासकर किसी जरूरी काम अगर हो तभी घर से बाहर निकले बचाओ बचाओ बहुत जरूरत है और बाकी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से मैं क्षेत्र की जनता के साथ था हूँ और रहूंगा इसमें पंडित जी आप हमारे टॉक्स में भाग लिए इसके लिए आप जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ सुराम ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार पांडे जी थे आलोक कुमार पांडे का कहना है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए नेताओं की साख जनता में गिरी है एक बड़ा सवाल है बहुत बड़ी बात कहते हुए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो आगे भी हम आपको क्षेत्र के और प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत देखते रहिए।